अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का, इसलिए सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि प्रोटीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन पहले आपको ये बताती चलूँ मैं कि प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक लैंग्वेज है जिसका ये जो वर्ड है प्रोटीन वो लिया गया है। ठीक है, प्रोटीन का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड क्या है, हम बस प्रोटियोस, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मींस प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है, मोनोमर नहीं है। मोनोमर क्या होते हैं, जो एक किसी भी चीज़ के एक अगर मॉलिक्यूल से बने हुए हों, लेकिन अगर वो ज़्यादा से बने हुए होंगे तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी, मर्ज मीन्स यूनिट। ठीक है, तो अगर वो अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक पॉलीमर बना हुआ होगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू, मींस के प्रोटीन जो है वो हमारे पास टिश्यूज जो हमारे जो होते हैं उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से जो ये है कि द नेम प्रोटीन वाज सजेस्टेड बाय बर्जेलियस इन 1838। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस, उन्होंने 1838 में हमें बताया कि ये जो चीज़ है जिसे हम कह रहे हैं कि वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, उसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ये डस्ट केमिस्ट थे हमारे पास, जो कि जी जे मर्लर थे। 1883 में उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज की, हमें इम्पोर्टेंस बताई किस चीज़ की, प्रोटीन की, कि ये जो है एक वाइटल जो है एक कंपाउंड है हमारे पास, इसके बारे में हमें बहुत सारी हमारे पास चीज़ें बताई डच केमिस्ट जी जे मर्लर ने। कब बताई, 1838 में। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन के पास क्या क्या होता है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है, पहली बार आपने ये याद रखनी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं हमारे पास जो कि किससे बने हुए हों, कार्बन से या हाइड्रोजन से बने हुए हों, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मींस कार्बन क्या होगा, उनमें बेसिक होगा, ज़रूर होगा कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके पास क्या है, हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें तो हैं ही हैं, एंड नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन कुछ दफ़ा बाज़ दफ़ा ये कंटेन करता है कि ये कौन, प्रोटीन कंटेन करता है, मीन्स मौजूद होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, फॉस्फोरस और सल्फर भी इनमें मौजूद होता है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा मोस्टली पूछा जाता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन व्हाट वी कॉल इट, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ठीक है, अब हमारे जो हेयर होते हैं, स्किन होती है, नेल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, ये सब क्या हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। अब अगर हमें प्रोटीन की अगर किसी में कमी है या अगर किसी को वैसे भी हासिल करनी है प्रोटीन, तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिल सकता है। एग अगर आप लोग लेते हैं, अगर आप लोग खाते हैं, तो आप ये एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की। उसके अलावा अगर आप फ़िश खाते हैं, मिल्क पीते हैं, पल्सेस खाते हैं, ये एक मेजर सोर्स हैं किस चीज़ की, प्रोटीन की। मिल्क, दूध, पल्सेस, दालें, फ़िश, मछली, एग, अंडा वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग खाते हैं तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, एक मेजर सोर्स हैं किस चीज़ की, प्रोटीन की। अब कह रहा है कि अब हमारे पास एक इसकी टाइप्स हैं, हमारे पास कुछ हमारे पास ए पहली है हमारे पास इसकी, हमारे पास वैसे चार टाइप्स हैं जो कि हम वन बाय वन सारी पढ़ेंगे, लेकिन इसका फंक्शन भी हमने पढ़ना है तो ये थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज हम सिर्फ इसकी एक पहली वाली टाइप डिस्कस करेंगे। वो क्या है, अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड कैसे काम करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, उसके बारे में आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल,
प्रोटीन क्या है हमारे पास? मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल जो कि दो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। और जो प्रोटीन जो है वो क्या है? पॉलीमर है किसका? अमाइनो एसिड का, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास बोलते हैं ये कि दे आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड। ये एक बॉन्ड होती है जिससे ये लिंक्ड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दे आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। एक पेप्टाइड लिंकेज होती है, उसके ज़रिए ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। दे आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड। देर आर कितने हैं टोटल हमारे पास? कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड कंटेन एटलीस्ट वन बेसिक अमाइन ग्रुप। मीन्स जो कि कोई भी अगर एक हमारे पास अमाइनो एसिड होगा, उसके पास कम से कम एक बेसिक अमाइन ग्रुप होना चाहिए। NH2 अमाइन ग्रुप को शो कर रहा है, और एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए जो कि क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे हम कहते हैं COOH। ठीक है, अब हमारे बुक में, हमारे सिंटेक्स बुक में कुछ हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमें एग्जांपल दी हुई ग्लाइसिन की, एक दी हुई सीराइन की, और एक दी हुई एलानाइन की। ये तीनों क्या हैं? हमारे पास तीनों ही अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम पेश आती है इन तीनों को याद रखने में पेश आती है कि कौन सा वाला ग्लाइसिन था, कौन सा सीराइन है, कौन सा एलानाइन है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक ये बताती चलूँ कि जिसमें फर्स्ट ये जो कार्बन है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ये हमारे पास क्या है? अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, तो दो बॉन्ड इसको और बनाने चाहिए थे, तो इसलिए हमने क्या किया? दो हाइड्रोजन इसे लगा दिए। ऐसी जो टाइप जिसमें फर्स्ट वाले कार्बन पे ये वाला काउंट होगा, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है, फर्स्ट कार्बन ये काउंट होगा। जो फर्स्ट कार्बन जो हमारे पास होगा, अगर वो हाइड्रोजन उस पर लगा हुआ होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो ग्लाइसिन है। अगर इस फर्स्ट वाले कार्बन पे CH2OH लगा हुआ होगा, तो हम उसे सीराइन कहेंगे। अगर उस पर मिथाइल लगा हुआ होगा, CH3 लगा होगा, तो हम उसे एलानाइन कहेंगे। अदरवाइज ये पूरी सेम होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, CH2OH तो सीराइन, CH3 है तो एलानाइन। तो आज हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, इसके ये अभी अभी हाफ टॉपिक डिस्कस हुआ है। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो, और शेयर करें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ही मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।